नमस्कार मेरे भाइयों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो काफ़ी कमाल का होने वाला है एंड थोड़ा सा सैड वीडियो एडिटिंग होने वाला है। वीडियो को आप इन तक वॉच करना एंड उससे पहले कि आप मेरा नाम जान लो, माय नेम इज जयशंकर कुमार एंड आप लोग देख रहे हो टेक जे यूट्यूब चैनल। तो वीडियो को जल्दी से आप लाइक कर दो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर, पास में जो बेल वाला आइकन है बेल वाले आइकन को आपको ऑल पे सेट करना ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड आपको ले चलते हैं सीधा मोबाइल स्क्रीन पे। तो सबसे पहले इस वीडियो को एडिट करने के लिए मैं किसी भी एप्लीकेशन का यूज नहीं, बस ओनली वन एप्लीकेशन एलाइट मोशन। बस एलाइट मोशन एप्लीकेशन से आप इस वीडियो को आराम से बना सकते हो। सबसे पहले मैं आपको एक एक्सएमएल फाइल दूंगा जिसके हेल्प से आप वीडियो को आराम से बना सकते हो। तो सबसे पहले ये मेरा वीडियो है, एक्सएमएल फाइल है, एडिटर लाइव वीडियो एडिटिंग। अब ये देखो आपका, इसका ड्यूरेशन है 26 सेकेंड, इसका ड्यूरेशन 26 सेकेंड एंड यहाँ पे आपको बहुत बीट मार्क लगे हुए मिल रहे हैं, बहुत सारे बीट मार्क यहाँ पे लगे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ दिख रहा है ना 11.35 सेकेंड, यहाँ तक आपको लिखना है लिरिक्स, यहाँ तक आपको लिखना है लिरिक्स। अब लिरिक्स आपको कहाँ मिलेगा, मैं लाइन बाई लाइन लिख दूंगा यहाँ पे। यहाँ देखिए पहला लिरिक्स है एडिटिंग, यहाँ पे आपका लिखना होगा एडिटिंग एडिटर लाइव एंड जो तो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कुछ ऐसे इंग्लिश लिरिक्स में लिखूँगा जो आपको मेरा मिल जाएगा पूरा का पूरा लिरिक्स, ऊपर से नीचे तक मैं दे दूंगा आपको जो सारे बीट में आपको उसी हिसाब से लगा लेने हैं। अब यहाँ तक जब आपने लगा लिया, यहाँ तक जब हो जाएगा तब आपको यहाँ से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ से आपका जितना भी इमेज है, जो इमेज लगाने, तो इमेज आपको कैसे लगाने वो मैं आपको बता दूँ, मैं आपको सारा इमेज प्रोवाइड कर दूँगा, इमेज की टेंशन नहीं है। लेकिन आपको अदर से जो भी इमेज लगाने हैं, अगर आपको अपने फ़ोटोज़ पे इमेज लगाने हैं या फिर अदर फ़ोटोज़ पे इमेज लगाने हैं, अगर आपके पास ऐसे फ़ोटोज़ हैं जिस पे जो इस रील्स के लिए सूटेबल हो, तो उस इमेज को सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे एंड में आपको आना प्लस के आइकन पे टैप करना है, मीडिया पे टैप करना है एंड जैसे कोई एक इमेज है, ये इमेज है जैसे आपका, तो इस इमेज को आप जैसे ही आपका इमेज है तो इस इमेज को सबसे पहले आपको क्या करना है, लेयर पे टैप करके ऊपर में 3 डॉट का आइकन, इस पे टैप करके इसे आपको कर लेना है 9x16 का रेशियो में, इस तरीके से फिल कंपोजिशन एरिया, तो सारे इमेज को कुछ इस तरीके से आपको कर लेना है। देन एक्सपोर्ट वाले सेक्शन पे टैप करके करंट फ्रेम एस पी एन जी, सारी इमेज को मैं समझा रहा हूँ अच्छे समझिएगा, सारी इमेज को आपको 9x16 के रेशियो में कन्वर्ट कर लेना है, समझ रहे हो ना, जितने भी आपके पास इमेज है। तो मेरे पास जितने भी इमेज थे हमने पहले से ही 9x16 के रेशियो में कन्वर्ट कर रखा था। अब आपको देखिए यहाँ पर जो आपका इफेक्ट है, इस इफेक्ट को बस आपको सारे इफेक्ट को कॉपी कर लेना है एंड देन कॉपी इफेक्ट कर लेने के बाद इसे हम डिलीट करेंगे। 11.34 सेकंड के बाद की बात मैं बता रहा हूँ, इसके बाद की बात मैं बता रहा हूँ। प्लस के आइकन पर मीडिया पे टाइप करो एंड देन जैसे हमारे पास 9x16 के बहुत सारे इमेज है जो हमने वीडियो में कल ट्राई करा था, तो देखो हम स्टार्ट से लेंगे यहाँ से। सबसे पहले मेरा ये स्क्रीनशॉट था मेरे यहाँ पे क्या कहते हैं मेरे प्रोफाइल का, जहाँ कि मेरे पास 226 फॉलोवर्स हैं, तो कम फॉलोवर्स हैं इसलिए हमने यहाँ पे लगाया। आपके पास 20-25 के हैं तो आप मत लगाना, हल्के फॉलोवर्स 100-200 होंगे तो आप लगाना यहाँ पे। तो ऐसे यहाँ तक इसका वेट है, बस यहाँ तक आपको इसे ट्रिम करना है, थोड़ा अच्छे समझिएगा। जितने भी इफेक्ट हैं सारे इफेक्ट को आपको पेस्ट कर लेने हैं। अब पेस्ट कर लेने के बाद यहाँ तक तो आपका ये फुल, यहाँ पर देखिए जो फुल कवर हो चुका है, ये आपका जो आउटसाइड जो रेड कलर का जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक एज दिखाई पड़ रहे हैं, अच्छे से नहीं दिख रहे हैं वो, उसके लिए आपको करना क्या है, सारे इमेज को एक ही तरीके से आपको करना है। तो देन सबसे पहले सारे इमेज को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे जितने भी इमेज हैं सारे इमेजेस को हमें ऐड कर लेना है। और ये हमारे पास जितने भी इमेज थे सारे इमेज को हमने यहाँ पे अच्छे से बीट के अकॉर्डिंग लगा दिया। यहाँ से जो भी इफेक्ट है इसी इफेक्ट को सारे में आपको पेस्ट करना है, तो कॉपी इफेक्ट करेंगे एंड देन सभी में इफेक्ट को हम पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट कर लेने के बाद आप यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझिएगा, सारा इफेक्ट को सबसे पहले हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं ताकि मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ, यहाँ पे समझना थोड़ा सा ध्यान से। 17 सेकेंड पर यहाँ पर आपको पेस्ट कर लेना है, इस पर भी एंड इस पर भी, देन सारे यहाँ पर जितने भी आपके आपको दिख रहे हैं सभी को इस तरीके से 26 सेकेंड तक हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे सभी इफेक्ट को। अब इफेक्ट पेस्ट कर लेने के बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे हाँ पेस्ट हो गया, तो साथ सभी में इफेक्ट पेस्ट हो चुका है। अभी इधर की काम, इधर का जो काम है अभी अब हमने नहीं कराया, बस मैं आपको फोटो यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि आपको वीट कैसे यहाँ पे लगाना है, वीट के अकॉर्डिंग आपको फोटोज़ कैसे लगाना है। एंड टेंशन ना लें, आपको जितने फोटोज़ हैं, मैंने जितने फोटोज़ यूज़ किया है आपको सारे फोटोज़ मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे आपको आउट साइड में जो आपका इलेक्ट्रिक केज है भाई, वो आपको नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, बस लेयर पे टैप करो, यहाँ पे मूवमेंट ट्रांसफॉर्म पे टैप करो एंड देन थर्ड वाले सेक्शन पे टैप करके जूम इन जूम आउट वाले सेक्शन पे टैप करो। देन हल्का सा साइज को हम कर देते हैं डिक्रीज, इस तरीके से हम साइज को क्या करेंगे, डिक्रीज, यहाँ पे सभी को इस तरीके से आपको डिक्रीज कर लेना है, बस मूवमेंट ट्रांसफॉर्म पे टैप करो
एंड हल्का डिक्रीज कर लो इस तरीके से। एंड अगर थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है तो आप इस यहाँ पे बीच में अच्छे से एडजस्ट कर लेना है ना। फिर इस तरीके से सारे इमेज को आपको इस तरीके से पूरा सा थोड़ा थोड़ा जूम आउट कर लेना है ताकि आपका जो इलेक्ट्रिक एज हो वो पता चल सके। सबसे बड़ी चीज़ वही, अगर इलेक्ट्रिक एज ना दिखे तो फिर वीडियो में मज़ा नहीं आने वाला, इसलिए आपको वो दिखना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मूवमेंट ट्रांसफॉर्म पे टैप करो, साइज को इस तरीके से हल्का हल्का डिक्रीज कर दो। पीछे में तो आपका बैकग्राउंड आपका ब्लैक है ना, तो उससे आपको पता नहीं चलेगा, वहाँ पे अच्छा लगेगा और भी देखने में ये मज़ेदार लगेगा आपका। इसलिए पीछे में हमने बैकग्राउंड था वो हमने ब्लैक ही लगाया है ताकि ऊपर में रेड रहे, इलेक्ट्रिक एज अगर रेड रहे तो नीचे में आपका सारा प्रोसेस हो जाए, उधर अच्छे से एडजस्ट हो जाए। ये भी हो गया आपका भाई, ये भी हो गया, इस तरीके से हमने सारे को कर लिया, देख रहे हो ना, यहाँ पे हमने इसे भी कर लिया। तो भाई जितना भी था काम हो चुका है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, इसे भी देख सकते हो, इस थोड़ा सा यहाँ पे सभी को अच्छे से थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आपको कर लेना है। देखिए इसमें थोड़ा सा बड़ा रह गया था, तो इस तरीके से हमने सभी को यहाँ तक इमेज जितने भी थे सारे इमेज को हमने यहाँ पे कर लिया। बाकी इमेज ऐड करने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब उसके बाद आपको यहाँ पे लिरिक्स ऐड करना, तो लिरिक्स आप कैसे ऐड करोगे, सबसे पहले इसमें अगर आप फॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहते हो तो हमने जो फॉन्ट यूज करा जस्ट राइट डेमो, ये फॉन्ट है, फॉन्ट नेम है यही जस्ट राइट डेमो, इस तरीके से ये फॉन्ट है सर। एंड देन यहाँ पे लिरिक्स लिखना है आपको 11:34 तक आपको लिखना है लिरिक्स। तब आप लिरिक्स कैसे लिखोगे, तो लिरिक्स हमने पूरा का पूरा दे रखा है, आप उस लिरिक्स को मतलब वहाँ से देखकर सारे लिरिक्स को लिखना है। तो सबसे उससे पहले आपको करना क्या होगा, बस लेयर पे टैप करो, इस लेयर पे टैप करो, देन इस वाले सेक्शन पे टैप करके इसे कर लो कॉपी लेयर। एंड देन कॉपी लेयर कर लेने के बाद पूरे बीट में इस तरीके से पेस्ट लेयर करो। देन यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे पूरे में पेस्ट लेयर इस तरीके से आपको करते जाना है पेस्ट लेयर। देन यहाँ से आपको ट्रिम करना है, मतलब ज़्यादा अगर लंबा चौड़ा हो जाए यहाँ से तो आप इस तरीके से इसे ट्रिम कर सकते हो। जितने भी है सारे लिरिक्स में इस तरीके से आपको पेश करते जाना है, बीट के अकॉर्डिंग आपको सारे लिरिक्स को हम पेश करेंगे। देख रहे हो ना किस तरीके से हमने सारा प्रोसेस करा है। बाकी आप अच्छे से अगर वीडियो को बिना स्किप किए वॉच कर रहे होगे, कहाँ तक चला गया मैं, 11:34 सही है, हाँ यहीं तक रहना चाहिए था हमें। अब देखिए यहाँ पे आपका लिरिक्स है, अब यहाँ पे लिरिक्स बस एडिट करना है, बाकी आप लिरिक्स एडिट करके आराम से वीडियो को बना सकते हो। यहाँ पे देखिए जो भी लिरिक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एक एक करके लिरिक्स को आपको वहाँ से लिख लेने हैं जैसा कि हमने वीडियो में लगाया। आप थोड़ा सा प्रीव्यू एक बार फिर से जाकर देख लो कैसे हमने वहाँ पे ऐड करा, बाकी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो ठीक है। फिर एंड इतना तक हो जाएगा एंड आपका वीडियो कंप्लीट हो चुका है, बाकी तो कुछ है भी नहीं। एंड ऊपर में एक्सपोर्ट वाले सेक्शन पर टैप करके वीडियो का भी एक्सपोर्ट कर लो। आई होप आज की इस वीडियो से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने, पास में जो अवेल वाला आइकन है अवेल वाले आइकन को आपको ऑल पर प्रेस करना है ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं कल के एक और न्यू एडिटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।